रूही को क्यों पड़ा है जोरदार थप्पड़। पहले आपको बता दें, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से विद्या जो है वो रूही को जोरदार तमाचा सबके सामने मारने वाली है, जिसके बाद अभीरा ही नहीं घर के हर एक मेंबर को शॉक लगने वाला है। लेकिन ये सब क्यों और कैसे हुआ, क्यों विद्या को हाथ उठाना पड़ा है यहाँ पर रूही पर, चलिए बताते हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्या को रूही पर शक है कि वो अरमान अभीरा के बीच में दूरियां पैदा करना चाहती है। मसूरी में आपने देखा किस तरह से रूही ने डिवोर्स पेपर जो है वो अभीरा अरमान को दे दिए थे, लेकिन इस बात का अंदाजा अभी किसी को नहीं था, लेकिन विद्या को शक हो चुका था। अब विद्या जो है अभीरा को एक बहाने से अपने पास बुलाती है। आप देख सकते हैं अभीरा को वो चाय लेकर बुलाती है। अभीरा और विद्या दोनों जो है गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं, जहां पर विद्या जो है वो अभीरा से पूछती है कि मसूरी में तुम्हारे अरमान और रूही के बीच में क्या क्या हुआ था। अब पहले अभीरा जो है वो बातों को पलटने की कोशिश करती है, फिर उसे याद आता है कि कैसे रूही ने तलाक के पेपर जो है वो अरमान अभीरा को दिए थे कि अरमान अभीरा को अलग हो जाना चाहिए। वहीं पर बातों ही बातों में विद्या जो है अभीरा को फंसा देती है और कहती है बताओ ना रूही ने और क्या क्या किया वहां पर जाकर, क्योंकि उसने तुम लोगों का हनीमून स्पॉइल कर दिया। वहीं पर अभीरा को मोमेंट याद आता है जब अरमान ने अभीरा को गलती से किस कर दिया था। अभीरा ये सब सोचकर ब्लश करती है, लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से निकल जाता है कि रूही जो है वो तलाक के पेपर लेकर आई थी, जिस बात से विद्या का खून खौल जाता है। अब विद्या जो है अभीरा का हाथ पकड़ती है और घर में ले जाती है। अब पूरे घर में हंगामा होता है। भाई विद्या जो है चिल्ला चिल्ला कर रूही को आवाज लगाती है। रूही ऊपर खड़ी होती है और फिर वो नीचे आती है। जैसे ही अभीरा विद्या दोनों रूही को देखते हैं, दोनों परेशान हो जाते हैं। अब अभीरा को रूही पर गुस्सा आ रहा है। हालांकि अभीरा जो है वो विद्या से कहती है कि प्लीज माँ शांत हो जाइए, आप कुछ मत कीजिएगा। वहीं जैसे ही रूही जो है विद्या के सामने आती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जैसे ही रूही पूछती है माँ बताइए क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों है, इतने में ही विद्या जो है हाथ उठा देती है और एक जोरदार थप्पड़ जो है वो खिंचा कर मारती है रूही को, क्योंकि यहाँ पर विद्या को लग रहा है कि रूही जो है अरमान अभीरा दोनों को अलग करना चाहती है। हालांकि अभीरा जो है वो अरमान से प्यार करने लगी है और यही चीज चाहती है विद्या। विद्या को लगता है कि अभीरा जो है अरमान के लिए परफेक्ट लड़की है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि रूही आगे क्या करती है, कैसे इन चीजों का बदला लेती है और विद्या कैसे संभालती है, कैसे रूही के हर प्लान को फेल करती है। आप क्या कहना चाहते हैं इस थप्पड़ के लिए कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो कर लें।